Namaste. Excellencies, मैं ग्लोबल क्लाइमेट समिट के आयोजन के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. पिछले वर्ष चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिलने के बाद यूएन में मेरा ये पहला संबोधन है और ये भी सुखद संयोग है कि न्यूयॉर्क दौरे में मेरी पहली सभा क्लाइमेट विषय पर हो रही है. एक्सलेंसीज, क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में अनेक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें यह बात स्वीकारनी होगी कि इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए उतना नहीं किया जा रहा है जितना कि होना बहुत अनिवार्य है. आज जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलोसॉफी भी शामिल हो. आज जरूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की. प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है. नीड नॉट ग्रीड हैज बीन अवर गाइडिंग प्रिंसिपल और इसलिए आज भारत इस विषय पर सिर्फ बात करने नहीं बल्कि एक व्यवहारिक सोच और रोड मैप के साथ आया है. वी बिलीव दैट एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन अ टन ऑफ प्रीचिंग. हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं. हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक ले जा रहे हैं और आगे हम इसे 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है. हम अपने परिवहन क्षेत्र में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं. हम पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल की मिक्सिंग की बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी कर रहे हैं. हमने 150 मिलियन परिवारों को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन दिए हैं. हमने वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए मिशन जल जीवन शुरू किया है और अगले कुछ वर्षों में इस पर लगभग $50 बिलियन का खर्च करने की हमारी योजना है. एक्सलेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो लगभग 80 देश हमारी इंटरनेशनल सोलर एनहांस की पहल के साथ जुड़ चुके हैं. मुझे प्रसन्नता है कि भारत और स्वीडन अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ट्रैक के लीडरशिप ग्रुप का लॉन्च कर रहे हैं. यह पहल सरकारों और निजी क्षेत्र को साथ लेकर इंडस्ट्रीज के लिए लो कार्बन पाथवेज बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी. वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना कर सके इसके लिए भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत कर रहा है. मैं सभी मेंबर स्टेट्स को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं. इस साल भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है. मैं आशा करता हूं कि इससे वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता और बढ़ेगी. एक्सलेंसी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि यूएन की इस इमारत में कल हम भारत द्वारा लगाए गए सोलर पैनल्स का उद्घाटन करेंगे. द टाइम फॉर टॉकिंग इज ओवर.
द वर्ल्ड नीड्स टू एक्ट नाउ. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Your Excellency.